दोस्तों आप सभी का स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। वीडियो को देखते समय अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें, क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। इन सभी के सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जहाँ पर इन क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में इनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और आप अपने बोर्ड के और क्लास के जो प्लेलिस्ट है उसको खोलेंगे तो आपको उसमें ये क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। आपको एक बात और बता दूं कि इस चैनल पे आपके ईयरली क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे, तो बने रहे हैं इस चैनल के साथ में। इस चैनल पे सभी बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हों उसका कोई मैटर नहीं है। आप चाहें तो अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को जो किसी भी स्टेट में रहते हैं, वो किसी भी बोर्ड में पढ़ते हों, तो आप उनको इस चैनल का रेफर कर सकते हैं, इस चैनल का रेफरेंस शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से या फिर ट्विटर से, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू इस चैनल को आप शेयर कर सकते हैं। कुछ बच्चों का डाउट था कि सर हम क्वेश्चन पेपर तो पूरा सॉल्व करके आते हैं लेकिन हमें वो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो आप कम से कम अपने बोर्ड की टॉपर्स की कॉपी को देखिए। मैंने अधिकतर बोर्ड्स के टॉपर्स की आंसर शीट इसमें डाल दी हैं और आप लोगों के जो टॉपर्स की आंसर शीट है वो भी मैं यहाँ पर जल्द ही डाल दूँगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के अपने बोर्ड के टॉपर्स की आंसर शीट देख सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसका पैटर्न क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जो सॉल्यूशन करते हैं और जो टॉपर्स करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, उनका मेन तरीका ये होता है कि जब टॉपर्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो हमेशा क्वेश्चन के सेक्शन को मेंशन करते हैं कि वो क्वेश्चन पेपर का कौन से सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये भी मेंशन करते हैं कि जो पॉइंट्स मेन हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, ब्लैक पेन से लिखते हैं या फिर अंडरलाइन कर देते हैं, ब्लू पेन से लिखें तो भी अंडरलाइन कर देते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आप एग्ज़ामिनर को बताना चाहते हैं कि आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे सही हैं, तो उनको हाईलाइट करना ना भूलें एग्ज़ाम